वेलकम टू डाउट फोरम दिस क्वेश्चन इज अ बॉडी वेट्स 200 हंड्रेड न्यूटन ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ हाउ मच इट वेट हाफ वे डाउन टू देंटर ऑफ द अर्थ एक बॉडी है जो कि सर्फेस ऑफ अर्थ पे जब लाई करती है तो उसका जो वेट है वो 200 हंड्रेड न्यूटन है और जब हम उसको सेंटर की तरफ हाफ वे ले जाते हैं यानी फो सर्फेस सेंटर की तरफ ले जाते हैं सो तो उसका वेट क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है सो so, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच है द फर्स्ट वन इज यूजिंग अ रेडीमेड फॉमूला उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट कैलकुलेशन वी कैन इजिली गेट द आंसर बट हेयर एट डाउट फोरम वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्प्ट बिहाइंड द क्वेश्चन सो हम इसको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे सो क्वेश्चन थोड़ा सा धन होगा बट हमें इसमें कॉन्सेप्ट को ही समझना है सो so, जो बॉडी का वेट होता है जो सर्फेस पे कैलकुलेट करते हैं दैट इज यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है वो है फोर्स इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैस इन टू एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी दिस फॉर्मूला गिव्स दस देट ऑफ अ बॉडी बट ये जो वेट होता है ये बॉडी का वेट्स सर्फेस ऑफ द अर्थ पर होता है क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वह हम सर्फेस की वैल्यू को रखते हैं अगर हम इस जी की वैल्यू चेंज कर दें और जी की वैल्यू हम रखें एट डिफरेंट लोकेशन तो यहाँ पर जो वेट ऑफ द बॉडी है वो हम किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला इस फॉर्मूले में जो एम है वो मास है और मास को हम सब जानते हैं इट इज अंस्टेंट इट विल नॉट चेंज सो ओनली थिंग दैट विल चेंज इज़ दिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल जी सपोज दिस इज अर्थ एंड इट्स इट इज इट्स सेंटर एंड द रेडियस इज कैपिटल आर नाउ सपोज कैपिटल एम इज द मास ऑफ दर्थ दिस होल मास मास ऑफ दिस अर्थ ओके नाउ व्हाट वी विल डू वी ऑल नो कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो चेंज होती है अब वो चेंज कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं तो जो न्यूटन का जो लॉ है ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसमें जो फोर्स होता है बिटवीन टू बॉडीज इज गिवन बाय कैपिटल जी एम वन इस केस में फर्स्ट मास इज ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देंटर ऑफ दीज टू बॉडीज

कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर सो दिस इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी स्मॉल जी में हम देखते हैं कि यहां पर एम और आर है जब हमने दिस वैल्यू ऑफ जी इज ऑन सरफेस, बिकॉज द डिस्टेंस कैपिटल आर इज फ्रॉम इट्स सेंटर टू सरफेस एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ होल अर्थ जब किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे इस चीज को हमेशा समझना है कि जब भी हम किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे सो दिस होल मास ऑफ अर्थ विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रेविटेशनल फोर्स बट जैसे जैसे हम इसकी सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो जो अर्थ का मास है वो सेम नहीं रहेगा बिकॉज दिस होल मास विल नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो जो मास है जो एक्ट करेगा जो और जो हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स वो रिड्यूस होता जाएगा सो जैसे अगर हम अर्थ की सर्फेस से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है जैसे जैसे हम सर्फेस के आगे बढ़ेंगे वहां पर हमारी आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी बट जैसे जैसे हम सर्फेस के अंदर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स देंटर तो इसमें आर की वैल्यू तो कम होगी होगी उसके अलावा जो मास ऑफ द अर्थ है दैट विल आल्सो रिड्यूस बिकॉज जब सरफेस पे थी तो होल मास वाज एक्टिंग और होल मास वाज कंट्रीब्यूटिंग इन दी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जब हम सेंटर पे आएंगे तो यहां पर जो मास मास की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको कैलकुलेट करना है वेट एट हाफ वे टू द सेंटर तो अब हाफ वे पर आ गए सपोज दिस इज द रेडियस आर आर बाई टू रेडियस पे हमको पहले तो मास निकालना होगा क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में जो मास की वैल्यू रखेंगे वो मास ऑफ अर्थ एट रेडियस आर बाई टू सो हमको यहां पर मास की वैल्यू चेंज करनी होगी और आर की वैल्यू तो हमको आर बाई टू आलोम है so, सो चलिए देखते हैं कैसे करना होता है इस तरह के सवालों को यहां पर एक चीज कंसिडर करते हैं कि जो अर्थ की डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कॉन्स्टेंट जब डेंसिटी ऑफ अर्थ जो कांस्टेंट है इसका मतलब कि जो डेंसिटी होगी फॉर रेडियस कैपिटल आर और दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट स्फेयर एट रेडियस आर बाई टू क्योंकि डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी डी फॉर रेडियस आर विल बी इक्वल टू डेंसिटी फॉर रेडियस आर बाई टू क्योंकि डेंसिटी और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मास तो यहां पर डेंसिटी हमको निकालनी है फॉर रेडियस आर तो वॉल्यूम भी हमको रखना पड़ेगा फॉर रेडियस आर डिवाइडेड बाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मास जब वॉल्यूम हमने रखा है ऑफ रेडियस आर तो हमको मास भी रखना होगा ऑफ रेडियस आर और रेडियस आर का जो मास है वो होल मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फॉर रेडियस आर बाई टू वी आर बाई टू डिवाइडेड बाई मास फॉर आर बाई टू रेडियस फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड आउट मास फॉर रेडियस आर बाई टू सो दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड इंटू मास फॉर रेडियस आर बाई टू विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फॉर रेडियस आर बाई टू इंटू होल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फॉर रेडियस आर बिकॉज अवर अर्थ इज अस्फेयर स्फेयर सो स्पेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर बाई थ्री पाई इंटू आर क्यूब सो फॉर रेडियस आर बाई टू जो वॉल्यूम होगा वो होगा फोर बाई थ्री पाई आर की जगह हो गया आर बाई टू का क्यूब इंटू एम डिवाइडेड बाई फॉर रेडियस आर फोर बाई थ्री पाई इंटू आर क्यूब यहां से हमारा फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई कैंसिल आउट हो गया और जो उसके बाद बचा वो बचा आर क्यूब डिवाइडेड बाई एट आर क्यूब इंटू एम और मास फॉर रेडियस आर बाई टू विल बी इक्वल टू एम बाई एट और वन बाई एट टाइम्स द होल मास ऑफ द अर्थ सो फ्रॉम हेयर वी हैव कैलकुलेटेड द मास ऑफ अर्थ फॉर रेडियस आर बाई टू अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दें मास की और रेडियस की एट आर बाई टू तो हम आर बाई टू रेडियस पे स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट रेडियस आर बाई टू विल बी इक्वल टू कैपिटल जी इन मास एट आर बाई टू इज नथिंग बट एम बाई एट डिवाइडेड बाय आर आर की वैल्यू गई आर बाई तो आर बाई होल स्क्वायर दिस कम्स आउट टू जी और कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय एट इंटू आर स्क्वायर बाय फोर और टू दिस कम्स आउट टू जी एम अपॉन टू आर स्क्वायर ये हमारे पास निकल के आई जी एट आर बाई टू अब इसमें अगर हम देखें सो दिस इज नथिंग बट दि वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस सो जी एट आर बाई टू इज इक्वल टू जी एट सरफेस डिवाइडेड बाई टू नाउ अब अगर हम दोनों साइड स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दें स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम सो दिस एम इंटू जी इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी एट आर बाई टू So, this is nothing but the weight of the body at r by 2. This will be equal to g into m is 200, which is given 200 divided by 2 or 100 Newton. So, 100 Newton will be the weight of the body halfway to the center of the earth.